भाई ये निकालने की कोशिश जा रही है इसको पूरी ट्रक से। देखो दो दो ट्रकों ने खींच रखा है, इसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, दो दो ट्रक जोर लगा रहे हैं पूरा का पूरा, बट लग नहीं पा रहा है। भाई साहब रास्ते में इतना तगड़ा सीन हो गया, यहाँ पर गाड़ी गिर गई है, पेट्रोल पंप की गाड़ी थी पूरी नीचे गिर गई है। भाई साहब रास्ता देख लो क्या खतरनाक गया है, अल्लाह ये रास्ता क्या नदी बह रही है क्या? हाँ रास्ते में बीच में से। अब देखो हमारी ये वाली लाइन है, उधर वाली लाइन तो ठीक थी, उधर चढ़ा रही, उधर चढ़ा लो, इधर से इधर उधर निकाल लो, ये वाली लाइन तो ठीक है शायद, इस पे चढ़ा लो। बाकी भाई साहब रोड बड़ा खतरनाक है, बीच में बह रही है ना। भाई बर्फ देख लो यहाँ पर कितनी ज्यादा बर्फ है, हाइट देखो कितनी ज्यादा बर्फ है, और सामने का व्यू देख लो। मतलब मैं जब बोल रहा हूँ ना तो बोलने में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं थक रहा हूँ, ठीक है ना, मगर भाई साहब मानना पड़ेगा भाई क्या नजारे आ रहे हैं यहाँ पर। और अपनी रेनॉल्ट ड्राइवर जो है आखिरकार लद्दाख जाएगी, तो दो दिन बाद हम लेह में होंगे, क्या मस्त है। देखो सामने ट्रक जा रहे हैं और हमें भी वहां जाना है। भाई अब जो है बारालाचला क्रॉस कर दिया है, और उसके बाद बारालाचला क्रॉस करने के बाद अब रास्ता देख लो कितना खतरनाक और खराब रास्ता है। बस अब यहाँ से क्लियर होके देखते हैं सरचू कितनी देर में आएगा, और सामने ट्रक देख लो आप कितना बड़ा है भाई साहब, वो वाला कट खतरनाक था। सामने का व्यू आप देख रहे हो, ट्रक पे ट्रक आ रहे हैं, और भाई साहब रास्ता जो है ना इतना खतरनाक है, मतलब बारालाचला क्रॉस करके उसके बाद तो ऐसा रास्ता मिला हमारे को कि क्या बताऊं, बड़ा ही बेकार रास्ता एकदम उबड़ खाबड़ आप देख रहे हो। ये तो फिर भी ठीक है, इससे पहले तो और बुरा रास्ता था, मतलब हद से बुरा ही रास्ता, और सामने आप देख रहे हो गाड़ी मतलब इतना हिल रही है ना क्या बताऊं। वो देखो सामने का व्यू, और मेरे सामने देख लो आप बर्फ, भाई साहब 20-20 फुट से ऊपर ज्यादा बर्फ है, और अभी सरचू आया नहीं है। तो भैया रुके दिखा दूं आपको बर्फ, देख लो कितनी सॉलिड बर्फ है। और भाई साहब ये तो मेरा सपना था कि एक बारी ये तोड़ना है। ओ भाई साहब क्या मस्त है यार, ये तो ये तलवार तोड़ी हमने, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। A few moments later, भाई साहब रास्ते में इतना तगड़ा सीन हो गया, यहाँ पर गाड़ी गिर गई है, पेट्रोल पंप की गाड़ी थी पूरी नीचे गिर गई है, पेट्रोल का टैंकर था पूरा, वो देखो नीचे, भाई साहब कितना बुरा हाल हो गया। अब इसको क्रेन से पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं निकालने की, भाई साहब भगवान करे किसी को जान माल का नुकसान ना हुआ हो तो अच्छी बात है। ये पूरा पेट्रोल का टैंकर था, जैसे टैंकर है ना इस तरह का टैंकर था ये, मगर ये नीचे गिर गया यार। भाई ये निकालने की कोशिश जा रही है इसको पूरी ट्रक से, देखो दो दो ट्रकों ने खींच रखा है, इसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, दो दो ट्रक जोर लगा रहे हैं पूरे का पूरा, बट लग नहीं पा रहा है, दो दो ट्रक खींचने की कोशिश कर रहे हैं आगे से, बट अभी तो ये दोनों ट्रक ही उठ गए थे। और वो देखो नीचे, देखो पूरा पेट्रोल का टैंक जो है नीचे गिर गया, मगर बंदा बच गया, जो इसमें बंदा था भगवान की दुआ से वो बच चुका है, उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो बाहर आ गया था। वो खड़ी अपनी गाड़ी और निकालने की कोशिश करेंगे अब, अगर निकल जाती है तो बहुत बढ़िया है। बाकी मैंने आपको दिखाई है पेट्रोल का टैंक जो गिर गया उसका नुकसान तो ज्यादा हुआ नहीं, गाड़ी में बैठते हैं हम भी निकलते हैं आगे, हमारा बेटा देखो बाहर आ रहा है। A few moments later. भाई फिर से वही सीन हो गया जो पहले हो रहा था रास्ते में, आपको पता ही है पर रोड क्लियरेंस चलती रहती है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, अभी थोड़ा सा ही चले थे पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, अभी दूरी पे मैंने आपको दिखाया था वो ट्रक पेट्रोल का टैंक पूरा गिरा हुआ था नीचे, और अब जो है यहाँ पर रोड क्लियर का काम चल रहा है, जो BRO है ना यहाँ का बड़े ही बेहतरीन काम करती है, बहुत ही जल्दबाजी में जल्दी जल्दी से
वीआरओ काम करती है, सारी रोड क्लियरेंस करती है और बहुत बढ़िया तरीके से रोड तैयार करने का काम रखती है अपना। तो वीआरओ को सैल्यूट है, इनके जो जवान हैं, इनके जो लोग हैं बड़े मेहनती होते हैं, 12-12 महीने लगे रहते हैं। बाकी अभी ये निकलने वाले होने वाले हैं, निकलते हैं फिर और सीधा ये टारगेट है कि लेह तक जाएंगे। फिर ये कोई सा टॉप आया, दूसरा पता नहीं कौन सा टॉप है, लोग रुके हुए तो हैं। तो आगे सामने ट्रक चल रहा है, सामने आपको रोड तो दिख रही होगी, वो सामने देखो सामने छोटे छोटे ना वो ट्रक हैं और हमें वहाँ जाना है। तो यहाँ का जाम तो आप देख ही रहे हो कि तगड़ा, इन चारों उसकी वजह से कितना तगड़ा जाम लगा पड़ा, मैं क्या बताऊँ बस। भाई दोस्तों अब देखो मेरे सामने ही है नकीला पास, अब नकीला पास हम पहुंच गए, यहाँ पर लोगों ने छोटे छोटे पत्थरों से घर बनाए हुए हैं, जाम लगा पड़ा है, सोचा उतरें फिर उतरेंगे तो और जाम लग जाएगा। बाकी आप साइड का व्यू देख रहे हो कितना बढ़िया है, नकीला पास आ गया घर, ये रुके हुए हमारे साथी, इधर रुके हुए हमारे साथी इधर ही रुके हुए। भाई नकीला टॉप अप क्रॉस कर दिया हमने, नकीला जो पास था वो भी हमने क्रॉस कर दिया है, हम नीचे उतरेंगे धीरे धीरे। बाकी पांग तो बड़ी दूर लग रहा है, 32 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पर, और तेल भाई साहब मेरे को लग रहा है तेल 2 पॉइंट रह गए, बड़ी टेंशन हो रही है तेल का कैसे करूंगा। लेह में मिलते हैं कहाँ मिलेगा समझ नहीं आ रहा, लेह में तो है खैर पेट्रोल पंप बट अगर बीच में सॉलिड पेट्रोल मिल जाए ना किसी से, क्योंकि मुझे ऐसा सुना है कि भाई मिलावट का पेट्रोल होता है, तो इमरजेंसी के लिए वो लेके रख लूंगा, वैसे तो 5-7 लीटर या 10 लीटर का कैन इमरजेंसी के लिए लेके रख लूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपना एक कैमरा तो हो गया, अब मैं कर रहा हूँ फोन से शूट, और जो है हमने नकीला क्रॉस कर दिया था, उसके बाद थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह के लिए रुके थे। अभी पांग यहाँ से 25 किलोमीटर है और लाचुंगला पास आने वाला है, 2 किलोमीटर बाद मेरे लाचुंगला है, तो करीबन लाचुंगला के नजदीक ही हैं, उसके बाद सीधा पांग में रुकेंगे। A few moments later. जैसा कि आपने देखा दोस्तों लाचुंगला पास भी हमने क्रॉस कर दिया, उसके बाद अभी तक इधर इतना खतरनाक नजारा है ना, और अब आएगा पांग, पांग के बाद आएगा तांगलांगला, तो पांग में उतरेंगे। अभी मैं हम फोटो खिंचाने के लिए उतरे थे भाई साहब, इतना तगड़ी सांस फूल गई ना क्या बताऊँ बस, मेरी तो 2 मिनट में सांस फूल गई इधर, इसलिए मैं तो रुका नहीं, मैं तो तुरंत बाहर आ गया अपनी गाड़ी में आके बैठ गया, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा है प्लस ऑक्सीजन में भी मुझे कमी लगी। वहीं से कहते हैं बढ़िया वाले नज़ारे, जैसा कि आप देख रहे हो अभी तो पांग भी नहीं आया, और क्या नज़ारे ये देखो, साथ में ही नदी बह रही है, साथ में ही रिवर बह रही है, और अपनी गाड़ी चल रही है बीच रोड पे, और सामने का नज़ारा देख लो, सामने बर्फ वाला पहाड़, धूप सब कुछ है, और ये नदी है, इसका पानी बहुत तेज है, दूर से लग रहा होगा बहाव नहीं है, मगर पास से आप देखोगे ना बहुत तेज बहाव है इसका, और इधर इतना ठंडा है ना, इधर इतना ठंडा है कि क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, बर्दाश्त से बाहर है ठंड, मतलब 2 मिनट के लिए बाहर नहीं उतर पा रहे हम। पहले आए थे बर्फ के पहाड़, फिर आए पत्थरों के पहाड़, अब आ गए मिट्टियों के पहाड़, मतलब कुदरत ने भी क्या करिश्मा रच रखा है, हर जगह हम लेह तक जा रहे हैं, लेह तक जाने में भैया हमें सब कुछ दिख गया, और ये देखो क्या सुंदरता है, क्या मिट्टी के ढेर हैं भाई साहब, ये इतने बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ हैं ना भाई साहब, सामने देखो दोस्तों कितना बड़ा पहाड़ है मिट्टी का, खतरनाक एकदम, मज़ा ही आ गया भाई, फुल लोन पैसे वसूल भाई, फुल लोन पैसे वसूल टूर है। ये देख रहे हो सामने दोस्तों कितना बढ़िया नज़ारा है भाई साहब, क्या चीज़ बनी हुई है समझ नहीं आ रहा, मगर जो भी है बड़ा ही बेहतरीन है, इतना सुंदर लग रहा है ना, मन तो कर रहा है फोटो वोटो खिंचा लें, बट ना यार रोकनेंगे ना तो लेट हो जाएंगे, देखो क्या बन रखा है, और सामने ब्रिज, इस ब्रिज पे एक गाड़ी एक टाइम पे जाती है, तो आप सभी ध्यान रखें, अगर आप इस टाइम किसी भी टाइम आते हो तो ब्रिज वगैरह पे अगर आप चढ़ते हो तो ध्यान रखें कि एक ही गाड़ी एक टाइम पे क्रॉस करे ब्रिज को, तो बेटर होता है, ठीक है ना। बाकी ये देखो 8 किलोमीटर क्या बना हुआ है यार मिट्टी के पहाड़, अभी भी पांग जो है ना 8 किलोमीटर है, ये रोड जब से चल रहा है ना मेरे ख्याल से तो 5-10 किलोमीटर हो गया, तब से चलता जा रहा है, और इतना ख़राब रास्ता है ना ये, आप देख ही रहे होगे कि, और देखो सामने देखो पानी में इतनी ठंड हो गई है कि पानी में बर्फ़ जम चुकी है पूरी रिवर में, धीरे धीरे कहीं कहीं जगह ना बर्फ़ जमी पड़ी है,
और वीडियो आप बोल रहे हो कि कितनी हिल रही है ना, क्या बताऊं भाई साहब, वीडियो इसलिए हिल रही है क्योंकि रास्ते ही है ऐसे, मैं कितना है हाथ को पकड़ के रखूं, मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूं, मगर बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी तो पांग भी नहीं आया, 4-5 किलोमीटर रह गया, जल्दी से आ जाए यार, थोड़ा सा उतरेंगे वहाँ पर, हालत ख़राब हो गई गाड़ी चला चला कर। 2 किलोमीटर रह गया। कहाँ लिखा और रखा पत्थर पे? हिल रहा है वो फोन, लगा लो। ग्रिफ आया है कोई, जुगल, जुगल ब्रिज है ये, जुगल ब्रिज जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। A few moments later. Finally guys, we are reaching Pang, और हमने जो है पांग कवर कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी, और पुल आप देख रहे हो ब्रिज क्रॉस करते ही लगभग जो पांग का एरिया है वो लग चुका है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है। शमशेर ब्रिज था ये, इस ब्रिज का नाम जो पांग से पहले पड़ता है इसका नाम है शमशेर ब्रिज, और देखते हैं भाई साहब क्या यहाँ पर कैसे करना है, कैसे रहना है। पांग में तो घर वगैरह भी है यार, है ना, बढ़िया है भाई साहब। भाई साहब ये रोड, ये रोड ये झटके वाली रोड है, टिचक वाली, मैग्नेटिक हिल की तरह आती है भाई। बहुत दूर 15,280 फीट पे है दोस्तों, अभी हम 15,280 फीट पे। 2000 years later. तो गाइस आपको पता ही, आज हम पांग में रुके हैं। पांग में ये जो है कैंप सा ही है, मतलब इनके अंदर इन्होंने बेड लगा रखे हैं और वॉशरूम वगैरह सब है, बाकी खाना वगैरह सब मिलता है। ये 300 रुपये पर पर्सन है, आप यहाँ रात गुजार सकते हैं अपनी पांग में, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, और खाना यहीं पर मिलता है 150 रुपये में अनलिमिटेड। तो 450 में आपका सब कुछ हो सकता है, इंक्लूडेड मील और रात का सोना। आप बढ़िया यहाँ रात रुक कर सुबह वापस मॉर्निंग में ले के लिए निकल सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए।